जनपद मिर्जापुर अंतर्गत हलिया थाना क्षेत्र के हलिया ड्रमंडगंज मार्ग स्थित इमरा कला चौराहे पर ट्रैक्टर की चपेट में आकर एक वृद्ध की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को हलिया थाना क्षेत्र के महुगढ़ी निवासी कमलेश केसरी पुत्र राज बहादुर केसरी अपने दादा 75 वर्षीय रामविलास केसरी पुत्र रामलाल केसरी को लेकर ड्रमंडगंज के बंजारी गाँव जा रहे थे। जैसे ही इमरा कला चौराहे के पास पहुँचे उस दौरान हलिया थाना क्षेत्र के सिकटा गाँव निवासी ट्रैक्टर चालक विकेंद्र कुमार उर्फ लौकुश पुत्र लाल बहादुर अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर से बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी, जहां टक्कर लगते ही दोनों बाइक सवार गिरकर घायल हो गए। वहीं वृद्ध रामविलास की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी राम बहादुर राय ने शव को कब्जे में लेते हुए विधिक कार्रवाई करने के उपरांत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं ट्रैक्टर चालक और ट्रैक्टर को कब्जे में लेते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गए। R9 भारत गौरव श्रीवास्तव द्वारा मिर्जापुर की खास खबर। आज की घटना कैसे हुई? आज की घटना, अभी गबड़ा धाम से एक ट्रैक्टर और ट्राली लेकर के आ रहा था। ट्राली उसमें जुड़ी हुई थी, तो ट्राली साथ में थी। बाइक सवार सीधे शायद हलिया मार्ग से जा रहा था डमनगंज साइड में, और ज्यों ही सिमरा मोड़ के पास पहुंचा है तो उसको तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर ने उसको पीछे से धक्का मार दिया, उसके ट्राली में लग गया और उसकी हालत भी सीरियस है। और सीरियस के बाद ये देखा गया, डॉक्टरों को बुलाया जाए। जब तक डॉक्टरों को हम लोग बुलाते, 10 मिनट के अंदर ही उसकी मृत्यु हो गई इसी चौराहे पर। और शासन प्रशासन आई है, शासन प्रशासन आ कर के और यहाँ पे आपके चौकी डमनगंज में पुलिस प्रशासन लेके गई है।